यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। गाजियाबाद में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 वांछित अपराधी पकड़े गए। बरेली में 15,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट। मेरठ में 25,000 के 2 बदमाश धर दबोचे। ये 4 तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि यूपी पुलिस बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। बदमाशों को समझ लेना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो उन्हें अपराध का रास्ता छोड़ना ही होगा, नहीं तो पुलिस की गोली उन्हें अपना निशाना बना ही लेगी। मुजफ्फरनगर ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां गन्ने के खेत में अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पुलिस बदमाशों को धर दबोचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। देखिए कैसे बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी पुलिस टीम इस खेत में खाक छान रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप लूट को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देने का काम किया था, जिसके चलते सूचना पाकर खतौली पुलिस ने रतनपुरी थाना कोतवाली इलाके के सटेडी नहर पर चेकिंग अभियान चला रखा था और इसी दौरान एक पिकअप पुलिस को आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश खेतों की ओर भाग खड़े हुए, जिसके चलते पुलिस ने खेतों में ये सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बन गए, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। वहीं इनके करीब 4 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने काफी खोजबीन की लेकिन फरार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि पुलिस ने लूटी हुई पिकअप जब्त कर ली, साथ ही गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पास से 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश बुलेरो मैक्स से लूट का सामान लेकर के आ रहे हैं और उनकी संख्या 6-7 है। तो इस बात इसकी सूचना पर SHO ने चेकिंग तेज कर दी और जैसे गाड़ी आई तो गाड़ी को हाथ दिया वो गाड़ी तेज भागी और बदमाशों ने उस पर फाकना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने पीछा किया, पीछा करते करते इस लाव रोड पे आए और यहाँ पर मुठभेड़ हुआ तो 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा गोली चलाई, 2 बदमाशों को गोली लगी और जिसके गोली लगी एक का नाम कयूम, एक का नाम नावेद है। गाजियाबाद, तस्वीरों में दिख रहा ये वो बदमाश जान मोहम्मद है, जो कई दिनों से पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था। इस पर छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुरादनगर थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी बीच पुलिस को एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। वहीं पुलिस की गोली से जान मोहम्मद नाम का ये बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने बिना वक्त गंवाए धर दबोचा। हालांकि इस दौरान इसका एक साथी सचिन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। मेरठ, अस्पताल में भर्ती ये वो 2 बदमाश हैं जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बेखौफ बदमाशों पर नकेल कसने के लिए मेरठ में खाकी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लिसाड़ी गेट पुलिस ने मेरठ
और उत्तराखंड में लूट और डकैती में शामिल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश शादाब को धर दबोचा। तो वहीं सरधना में भी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी साकिर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बदमाश मोटरसाइकिल पर रुकने का प्रयास किया गया और रुकने के बजाय उसने फायरिंग की। पुलिस आत्मरक्षात कार्रवाई करते हुए वो घायल हुआ है। घायल देखने पर शादाब उर्फ मॉडल है, ये हमारे दो मुकदमों में पहले से वांछित भी चल रहा था। साथ ही साथ इस पर डकैती और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। एक बदमाश जो इसकी पहचान हुई शाकिर, जो सदना करने वाला है और दौराला थाने से एक लूट के मुकदमे में वांछित है और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषणा हुई है और इससे पहले भी इसके पर आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और दूसरा अभी फरार हुआ जिसकी कॉम्बिंग कराई जा रही है। बरेली जिला अस्पताल में भर्ती ये बदमाश 15,000 रुपए का इनामी रमेश कश्यप। इस बदमाश पर गैंगस्टर, चोरी और बलवा जैसे करीब 14 मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से इस बदमाश की तलाश थी लेकिन ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकता फिर रहा था। हालांकि पुलिस ने इसे अपने एक साथी के साथ आते हुए देखा तो इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रमेश घायल हो गया जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया। दोनों दो अपराधी पैदल सदर बाजार से खिड़िया की तरफ जा रहे थे जब पुलिस टीम ने उनको चेक करने के लिए रोका। उसी समय उन्होंने फायर कर दिया और फायर करने पे एक हेड कांस्टेबल हमारा चोटिल हुआ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश जो रमेश कश्यप है उसे लगी और दूसरा बदमाश करण वहां से भाग निकला। यूपी में बदमाश डाल डाल तो पुलिस पात पात। चाहे बदमाश कितनी भी कोशिश कर लें कानून से बचकर भागने की लेकिन कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जा रहे हैं और चुन चुन कर बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।